हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और ये आपकी क्लास 41 है। तो आज का टॉपिक है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019। 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने पब्लिश करी है और इसमें ऑलमोस्ट 1250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अभी तक का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल लीग टेबल है। और काफ़ी डिफरेंट मेजरमेंट स्किल्स पे इन्होंने मेजर किया है, इन्होंने रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ को जज किया है और एक डिफरेंट स्केल बनाई है जो कि इनकी परफॉर्मेंस टेबल है, जिसमें इन्होंने रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ को जज करने की कोशिश की है। तो जो इनके कोर मिशंस थे वो था टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र एंड इंटरनेशनल आउटलुक। ये चार इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, या आप कह सकते हैं ये कोर मिशन हैं जिन पे इन्होंने फोकस किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने 13 कैलिब्रेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इन्होंने ध्यान में रखा है, मतलब 13 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि इन्होंने लिए हैं और उसके बेसिस पे ही इन्होंने उसको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को मेजर किया है। और ये जो इनके जितने भी इनके इंडिकेटर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रस्टेड हैं बाय स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस एंड यूनिवर्सिटी लीडर्स, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट। तो वो सारे इंडिकेटर्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस कंपैरिजन करता है और इससे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। तो ये जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगेन जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, ये वर्ल्ड की मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी के रैंक पे आए हैं और सेकेंड ईयर से लगातार इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को मिल रही है ये रैंकिंग। उसके बाद येल यूनिवर्सिटी जो है वो न्यू कमर है, ये टॉप 10 में अभी अभी आई है येल यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ जो स्विट्ज़रलैंड की ETH ज्योरिक है, ये 10th के बाद 11th प्लेस में चली गई है, तो टॉप 10 से ये इसका नाम हट गया है। उसके अलावा एशिया की अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना की, वो 22nd प्लेस पर आई है और एशिया की ये फर्स्ट चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन है जो कि इतनी अच्छी, जिसकी इतनी अच्छी रैंक आई है। चाइना की ओवरऑल काफ़ी सारा जो यूनिवर्सिटीज़ और वो उसमें इंक्लूड की गई है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई हुई है। उसके अलावा एशिया की अगर हम बात करें तो जापान के भी ऑलमोस्ट 103 इंस्टीट्यूशन, मतलब 103 इंस्टीट्यूशंस को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन का भी इसको दर्जा मिला है। यूके के 98 हैं, तो यूके को भी इसने पीछे छोड़ दिया। जापान के 103 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस रैंकिंग के पार्ट में हैं। इसके अलावा फ्रांस की भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं। उसके अलावा इटली है, स्पेन है एंड कनाडा की भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का मतलब रैंकिंग इंक्रीज हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 86 कंट्रीज़ इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं, जिसमें कुछ नई कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें आपका इराक आता है, जमैका है, नेपाल है, तंजानिया है एंड कजाकिस्तान है। ये आपकी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इस तरीके की रैंकिंग के पार्ट बने हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में अगेन डेवलपमेंट हुई है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट है जहाँ से आप देख सकते हो कि टॉप 10 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं और उनकी पहले की रैंक कौन सी थी और अभी उनकी करंट रैंक क्या है। 2018 रैंक यहाँ पे दी हुई है और 2019 रैंक दी हुई है। कंट्री कौन कौन सी हैं ये भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरी लिस्ट, जो 10 लिस्ट, जो 10 टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कोशिश करिएगा कि इसमें जो टॉप 3 हैं उनके नेम्स आपको पता चल जाए। और जो जैसे येल यूनिवर्सिटी, इसकी 12th रैंक थी और इसके बाद वो 8th रैंक पे आ गई है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।